जय श्री राम। मैं हूं तपेश जैन और हम लोग महाराष्ट्र मंडल में हैं। महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष आदरणीय अजय काले जी और महिला समाज के अध्यक्ष हमारे साथ, कलोले जी भी हमारे साथ में हैं। बहुत अच्छा लगता है कि एक विचार लेकर आए हैं आप कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनके लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए, आपस में बात कर सकें, गाइडलाइन हो और किस दिशा में सब लोग अगर एकत्रित हो जाएंगे निश्चित रूप से बड़ा काम करेंगे। अजय भाई, कैसे ये विचार आया, किस तरीके से ये मामला बना? ये विचार इसलिए आया कि लगभग 88 साल से महाराष्ट्र मंडल यहाँ पे काम कर रहा है छत्तीसगढ़ के लिए, और देखते देखते हैं कि बहुत सारे सामाजिक संगठन अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्तर पर काम करते हैं, पर शासन की इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं जो अंतिम व्यक्ति तक पहुँच नहीं पाती। तो दिसंबर में ऐसे ही विचार आया, जैसे भी हमने मतदान की प्रक्रिया में हमने सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से प्रयास किया कि लगभग 500 लोगों की टीम बनाई, भी मतदान करो, मतदान करो, मतदान करो। तो इससे एक ये आइडिया है कि इतने सारे संगठन हैं, यदि सभी संगठनों ने शासन की कोई अच्छी योजनाओं को यदि अपने हाथ में ले लिया और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का भी प्रयास किया तो सब लोगों के छोटे छोटे प्रयास एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसी दृष्टिकोण से हमने इस विचार को क्रियान्वित करने की दिशा में काम किया और आज बैठक रखी है। क्या कहेंगे विशाखा जी, तो खाने वाले जी? जय श्री राम जी। हम लोगों ने सोचा एक अकेला काम करेगा तो उतना बड़ा काम नहीं कर पाएगा, और यदि सारी सामाजिक संस्थाएं एक साथ हो जाएंगी जी, जी। तो हम बहुत बड़ा कार्य रायपुर शहर में कर सकते हैं, क्योंकि एकता में, संगठन में शक्ति बहुत होती है। एकता का सबसे बड़ा उदाहरण मैं अपने समाज का देती हूँ, महाराष्ट्र मंडल का। हमारे सारे सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों ने मिलकर, जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी, उतना बड़ा भवन तैयार करके एकता और संगठन से ही हुआ है। बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे डॉक्टर, पूरा नाम बताइए सर आपका। जय श्री राम। मैं सेवानिवृत्त प्राध्यापक दुर्गा महाविद्यालय से, प्रोफेसर कालेले। प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, वह समाज का घटक है, लेकिन वह एक रूप से केवल काम करेगा अकेला तो उसके बजाय सामूहिक रूप से काम करेगा तो उसके प्रयासों का फल सामूहिक रूप से पूरे समाज को मिलेगा, इस कल्पना को लेकर के ही आज की बात निकाली गई। बहुत अच्छी बात है सर। क्या नाम है? मैं हेमंत मारडीकर, सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी। हम लोग यहाँ आज विभिन्न सामाजिक संगठनों को लेकर एक सम्मेलन करने जा रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों को लेकर ये सभी के कार्यों में एक रूपता लाने के लिए और आपसी सामंजस्य बढ़ाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और इसमें साथ ही साथ शासन की सहभागिता के का भी प्रयास किया जाएगा, जिससे शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँच सके। इस सम्मेलन का आज का यही उद्देश्य है। जी जी। मैं राजू झामदानी, सामाजिक संस्था बढ़ते कदम से हूँ, पूर्व अध्यक्ष हूँ, और जैसा कार्य और जैसी सोच है काले साहब की, मन को नमन करता हूँ। और ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आज लगातार हम भी 20 वर्षों से काम कर रहे हैं समाज के लिए, चाहे नेत्रदान का क्षेत्र हो, देहदान का क्षेत्र हो, और बढ़ते कदम को सभी लोग जानते हैं। तो एक अच्छी सोच कि हमको भी कुछ शासन से मिलना चाहिए, जैसी शासन हमसे आशाएं रखता है, अपेक्षा रखता है, तो हमको भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, हमको शासन सहयोग मिले ताकि इस कार्य को और अच्छे तरीके से सुचारू रूप से शहर के अंदर किया जाए और शहर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। मुख्यमंत्री जी से आपके साथ चर्चा हुई है, हनुमान जी से चर्चा हुई? मुख्यमंत्री जी को जब हमने प्रस्ताव दिया तो उन्होंने प्रस्ताव को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा कि बोले बहुत अच्छा विचार है और इसके विषय में जरूर हम लोग कार्यवाही करेंगे, काम करेंगे। उसके बाद में हम बृजमोहन अग्रवाल जी से भी हमने मुलाकात की तो उन्होंने भी इस विचार को बहुत ही प्रशंसनीय कहा है, और साथ में जब हम विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह जी से हमने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि प्रारूप इतना अच्छा है लेकिन हम चाहते हैं कि आप ही लोग इसका प्रारूप बनाकर दें कि कैसे ये संगठन काम करेगा, और उसके हिसाब से हम जरूर शासन की तरफ इस पर प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी योजना है ये। क्या नाम है सर आपका? मैं गुणवंत राव घाटगे, मराठा मित्र मंडल रायपुर का अध्यक्ष हूँ। ये जो अभी ये है हमारा आयोग बनाने का एक विचार आया मन में, और इसके लिए हम ये चाहते हैं कि शासन की कोई भी योजना हो, शासन उस काम को पूरे जमीन स्तर तक, हर व्यक्ति तक, हर पर तक नहीं ले जा सकता, उसको यदि समाज की भूमिका उसमें हो तो हम बिल्कुल हर परिवार तक, हर गांव तक, हर समाज तक ले जा सकते हैं। तो शासन की जो लोग योजनाएं हैं उसे लागू होने में, करने में सहूलियत होगी, और दूसरी समाज जो काम कर रहे हैं उसको एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और हम जिस शासन जिस चीज को करोड़ों रुपये में करती है वो हजारों रुपये में कर सकते हैं। माने कहने का मतलब चीपेस्ट रूप में हम उस काम को लागू करेंगे और हमारी काम 100% धरातल तक दिखेगा। बहुत अच्छी बात है। तो अजय काले जी, महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष का बड़ा योगदान है ये,
और बहुत अच्छी चीजें है कि उस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।